भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्दू बाजार स्थित एक कोचिंग संचालक पर कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़ित छात्रा ने भागलपुर महिला थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कोचिंग संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रा ने बताया कि उर्दू बाजार स्थित चंदन जीके जीएस कोचिंग के संचालक चंदन कुमार ने कोचिंग सेंटर में उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया है, लेकिन वह किसी तरह से वहां से खुद को बचाकर कोचिंग सेंटर से भाग निकली। साथ ही छात्रा ने कहा कि जब उसने इस मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया तो आरोपी शिक्षक फर्जी पुलिस वाला बनकर उसके घर पहुँच गया और मामले को रफा दफा करने की बात कहते हुए उन लोगों को धमकी भी दी। वहीं छात्रा के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाए जाने को लेकर आरोपी कोचिंग संचालक चंदन कुमार ने खुद पर लगे आरोप को गलत बताया है और कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि छात्रा के द्वारा उस पर लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद है। आरोपी कोचिंग संचालक ने कहा कि पिछले कई दिनों से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ साजिश के तहत मनगढ़ंत कहानी रचकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही चंदन कुमार ने कहा कि पैसे की डिमांड करने के साथ इस तरह के आरोप लगाकर उसके कोचिंग सेंटर को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। पुलिस थाना आई हूँ। चंदन सर के द्वारा हमको कॉल करके बुलाया गया था कोचिंग पे पढ़ने के लिए 4 से 6 बैच में। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे साथ फिजिकल करने की कोशिश की, और फिर मेरे भाई लोग को कॉल करके धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। मेरे घर पे गए वो, मेरी मम्मी को गाली गलौज किए, धमकाए कि अपनी बेटी को संभाल लो वरना हम लोग झूठे केस में उसको फंसा देंगे। वो झूठ बोल रहे हैं, वो हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग मेरे से रिश्वत मांग रही है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हम लोग नहीं मांगे। और उनके पास अगर कोई एविडेंस होगा तब ना हम लोग विश्वास करें। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम लोग उनसे रिश्वत मांगे हैं या फिर पैसा मांगे हैं। उनके पास एविडेंस होना चाहिए। किस तरह से बदसुलूकी करने की कोशिश की गई? मेरा हाथ पकड़ा गया, मैं जब चिल्लाने और भागने की कोशिश की तो वो पकड़ लिए हमको। इसके बाद मैं जब चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर लिया, और इसके बाद फिर बारिश भी होने लगी थी, सारा स्टूडेंट को उन्होंने भेज दिया। इसके बाद मेरे साथ बदसुलूकी करने की कोशिश की। नकली पुलिस वाले बन के गए थे, 4 लोग गए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं कोतवाली पुलिस थाना से आया हूँ, लेकिन जब हम लोगों ने पता किया तो वो कोतवाली पुलिस थाना से नहीं गए हुए थे। उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने पूरा मेरा डिटेल उटेल पूछा, कहाँ जाती है, क्या करती है, कौन सा कॉलेज में पढ़ती है। मेरे पीछे आदमी लगा रखा है उन्होंने। चंदन जी के जीएस टीचिंग सेंटर के डायरेक्टर चंदन सर है। हम आप विगत 5-6 वर्षों से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और हमारे क्लास में से बहुत सारे विद्यार्थी SI बने हैं, बिहार पुलिस भी बने हुए हैं, और हमारे ऊपर किसी अन्य आदमियों का मनगढ़ंत कहानी रचा हुआ, हमारे ऊपर झूठी आरोप लगा करके और जो है उसके बाद हमारे ऊपर दबाव बना करके आज लगभग 7 दिनों से हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप जो है किसी तरह का मैसेज वगैरह ये किया है, वो सारे चीज का मेरे ऊपर जो है लगातार 7 दिनों से संडे से अभी तक मैसेज करना, फोन करना शुरू किया है। लगातार हमारे साथ मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है 7 दिनों से, और अभी ये लोग हमारे कोचिंग पर आ करके 10 आदमी इकट्ठा करके हमको परेशान किया जा रहा था और हमारे कोचिंग को बंद करवाया जा रहा था। अगर हमारा गलती था तो वो 6 अगस्त को वो FIR दर्ज क्यों नहीं किया? हमसे फिरौती मांगा जा रहा था कि आ करके कुछ ले दे करके सेटलमेंट कर दिया जाए। सेटलमेंट किस चीज़ का होता है? जब हम किसी चीज़ की का कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिए हैं, किसी तरह का अपराध नहीं हुआ है, तो हम इसमें सेटलमेंट क्यों करेंगे? भागलपुर के वैरायटी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान बदसुलूकी का आरोप लगाते हुए वहां काम करने वाली लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा कर रही लड़कियों ने कहा कि दुकान के मालिक के द्वारा कोतवाली थाने में दुकान से 1.5 लाख रुपये चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर सोमवार को कोतवाली थाना के ASI देवानंद और पूजा कुमारी जाँच के लिए दुकान पहुँचे थे।
बताया जा रहा है कि जांच के दौरान वहां काम करने वाली महिला स्टाफ के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, जबकि दुकान में काम करने वाले एक सेल्समैन के साथ एएसआई देवानंद के द्वारा मारपीट भी की गई। वहीं इसको लेकर दुकान के सभी स्टाफ दुकान के बाहर जमा हो गए और आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा करने लगे। इसको लेकर जब मीडिया कर्मियों ने दुकान मालिक से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो दुकानदार मीडिया कर्मियों से ही भिड़ गए। इधर हंगामा कर रहे दुकानदार के सभी स्टाफ का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उन सभी को लाइव बर्बाद करने और गोली मारने की धमकी दी है, जबकि दुकान में काम करने वाली एक युवती ने कहा कि दुकान मालिक के द्वारा सारा काम करवाया गया और अब उन पर दुकान में चोरी करने का गलत आरोप लगाकर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, जिससे वो सभी काफी आहत हैं। साथ ही कहा कि पुलिस के द्वारा भी जांच और पूछताछ के दौरान उनसे दुर्व्यवहार किया गया। इधर हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली थाना की एसआई ज्योति कुमारी ने भी सेल्समैन और महिला स्टाफ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस वालों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और ड्यूटी के दौरान सभी को संयम बरतने की जरूरत है। चोरी हो गया, हम लोग को सामने बताया, जब पुलिस को पूरा शुरू से लेकर डिटेल में बता दिया ना, तो क्या बोलती है उस हमने, हम बोले कि सुबह से जो जो आया है उससे पूछिए क्या बोलता है, उस हमने तुम पांचों जानती हो, और डायरेक्ट पुलिस जैसे आई है ना, क्या बोला, ई मैनेजर है सेटर ही गिरा था, चलो इसको उठा लेके, और वहाँ पे एक पाया है उसके सामने भैया को एक थप्पड़ जड़ दिया, और क्या बोलती जाते जाते एक वो देवानंद सर जो कि हेड थे वही था रे, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि तुम, हम बोले ना कि हम उस दिन नहीं आए थे सर, मेरा एग्जाम था, तो क्या बोलती है एग्जाम वो तो तुम्हारा गया, सोचो अब तुम्हारा एग्जाम होने वाला नहीं है, जॉब भी तुम लोग का नहीं लगेगा, कहीं पे जॉब नहीं तुम लोग को देंगे, बोले मेरा पैसा चोरी हुआ, लेकिन 10 तारीख को हम लोग को ये पता चला, पूरा दिन अगर ड्रॉल खोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे ड्रॉल में पैसा नहीं है, आप शाम में क्यों बोले, शाम में बोले भी तो मेरा पैसा चोरी हो गया, तो ये लोग बोले कि खोजिए आप पैसा, भैया हम लोग तो नहीं जानते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं बोले, पूरा दिन भी ठीक रहे, हम लोग से अच्छे से बात की है, शाम में डायरेक्ट ये पुलिस को बुलाए, हम लोग को तुरंत मोबाइल नीचे रखो, पहले अंदर घुसाए कैबिन में, बोलते हैं क्या एक एक करके पहले आओ, तो पहले एक मेरी दीदी है इसको पहले बुलाया, फिर मेरी एक दीदी को बुलाया, उसके बाद फिर हमको बुलाया, हमको बोला कि क्या नाम है जी, हम बोले संध्या कुमारी नाम है, अच्छा तो नंबर तुम अपना क्यों नहीं लिखवा रही थी, बॉयफ्रेंड को नंबर देने में याद रहता है तुमको, और यहाँ नंबर देने में नहीं याद रहता है, डायरेक्टली पूजा कुमारी बोली, वो दरोगा है उसको 2 स्टार है, और वो क्या बोलती है कि पैसा अभी तुम निकालो, सब मिल गया, हाँ अभी तुम पैसा निकालो वरना घसीटते हुए थाना ले जाएंगे और इतना रगड़ेंगे ना कि तुम लोग का करेक्टर पे दबा, और शादी ब्याह तो होने हुए थे, हमको तो अभी फिलहाल मैटर के बारे में पता चला है, पहले से कुछ पता नहीं था, एक ही पैसा चोरी हुआ है, पुलिस वाले रुकी किए हैं लोगों के साथ, ये तो हम नहीं बता सकते, हम देखते तो जरूर बताते, पूजा कुमारी का नाम ले रहे हैं ये लोग, हम देखते तो जरूर बताते, नाम लिए हैं ये लोग, नाम तो लिए हैं कि बटर रुकी किए हैं, मारे भी हैं, अच्छा ठीक है हम बाद में बताते हैं, क्या कहाँ तक उसी थे पुलिस को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गलत हुआ है ना, आप लोगों को जैसा ठीक है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर भागलपुर में भी जोर शोर से तैयारी की जा रही है, इसको लेकर भागलपुर का बाजार भी तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंग गया है, हमेशा की तरह भागलपुर के बाजारों में खादी से बने तिरंगा को लोग अधिक पसंद कर रहे हैं, जबकि सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर में सिल्क कपड़े से बने तिरंगे की डिमांड भागलपुर के साथ दूसरे शहरों में भी अधिक होने की बात कही जा रही है, बहरहाल भागलपुर के बाजार में खादी से बने तिरंगे की बिक्री काफी बढ़ गई है और आसपास के कई जिलों से लोग खादी से बना तिरंगा खरीदने के लिए भागलपुर बाजार पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा है खादी का झंडा और हर घर हर तिरंगा 13 तारीख से ही फहराने का आदेश हुआ है और सभी घर में फहराना चाहिए, ऑफिस में फहराना चाहिए, सरकारी संस्था में फहराना चाहिए, यहाँ भागलपुर का खादी फेमस है, यहाँ के खादी का झंडा बहुत दूर 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 जगह जाता है, यही कारण लोग पसंद है, यही कारण है लोगों को पसंद है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवाचक पंचायत से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में किसान अमरजीत कुमार और उसकी पत्नी गौरी देवी खेत पर बैंगन का पौधा लगाते दिख रहे हैं, जहां अचानक सादे लिबास में पहुंची उत्पाद विभाग की टीम
और किसान अमरजीत कुमार के बीच बहस हो गई, जबकि इस दौरान अपना आपा खोते हुए उत्पाद विभाग की टीम के सदस्यों ने अमरजीत कुमार की जमकर पिटाई करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस घटना में अमरजीत का बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी गौरी देवी के साथ भी उत्पाद विभाग की टीम और पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी शुरू कर दी। वहीं उत्पाद विभाग की टीम द्वारा की गई पिटाई में अमरजीत घायल हो गया, जिसके बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों की भीड़ को देखकर सादे लिबास में आए टीम के सभी सदस्य वहां से जान बचाकर भाग गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ने कुछ भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अब देखना यह है कि किसान अमरजीत कुमार और उसकी पत्नी के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के मामलों में दोषियों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। पुलिस आया, बैगन खेत में हम बैगन रोप रहे थे, वो आके आने के साथ गर्दन पकड़ के बहन चौथ गाली दिया, तो हमको गुस्सा भर गया, तो गुस्सा भर गया हत्था पंजे होने लगा, 8-10 टन मिल के हमको पहले हुमच के मार दिया। देखिए दृश्य क्या किया है। के साथ भी पुलिस कुछ किया था क्या? हाँ। क्या क्या किया था? धक्का दिया, मेरे पति को मार रहा था खेत में, बैगन खेत में हम धक्का दिए और उसमें हमको भी मारने लगा, घींचा तिरी करने लगा, हटो तुम मादर चोद भोसरी वाली, तुम हटो, इसको क्यों बचा रहा है, हटो तुम मेरे साथ भी। नमस्कार, मैं सुद्दू साई, पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर जदयू भागलपुर, आपको एवं आपके पूरे परिवार मित्र बंधु को स्वतंत्रता दिवस एवं विसहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। देश भर में SBI की ओर से ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया है, जिससे ग्राहकों को भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। वहीं इसको लेकर भागलपुर में एक CSP संचालक का कहना है कि SBI के द्वारा खाता धारकों पर बीमा और अटल पेंशन योजना के लिए दबाव बनाया जाता है और इसके तहत खाता धारक के खाते से समय पर पैसा भी काटा जाता है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने कहा कि ग्राहकों द्वारा ऐसा नहीं करने पर CSP का कोड लॉक कर दिया जाता है, जो सही नहीं है। साथ ही कहा कि SBI के द्वारा सभी CSP को टारगेट पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होने पर CSP का 40% मुनाफा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा काट कर भुगतान किया जा रहा है। इधर SBI के इस रवैये से सभी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक काफी असहज महसूस कर रहे हैं, जबकि CSP संचालकों का कहना है कि अक्सर अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके साथ लूटपाट और हत्या जैसी घटना होती रहती है और अब SBI बैंक उसे सहायता प्रदान करने की बजाय परेशानी का कारण बनती जा रही है। साथ ही कहा कि अगर स्टेट बैंक के इस रवैये में बदलाव नहीं हुआ तो वे सभी एकजुट होकर CSP को बंद करने पर बाध्य हो जाएंगे। बखूबी अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन अपराधी के द्वारा लूट की घटना प्रत्येक
महीने में एक का एवरेज तो है सर कि प्रत्येक महीना में एक सीएसपी बलि का बकरा बन रहा है। उसके लिए नए सीएस नए एसबीआई नए उसके बीच का जो कंपनी है किसी भी प्रकार का नहीं कोई मुआवजा दिया जाता है न किसी प्रकार का कोई सहायता दिया जाता है। समस्या के नाम पे मोदी जी के नाम पे अटल पेंशन योजना जनधन योजना जितना भी प्रकार का जो इंश्योरेंस सेक्टर में है सभी का प्रेशर दिया जाता है कि नहीं हो करना ही है। ग्राहक को समझाया जाता है बोलते हैं कि हम घर से पूछ के आएंगे लेकिन लौट के नहीं आते हैं कि मेरा ये योजना सर कर दीजिए। 1% ऐसा व्यक्ति है जिसने कहता है कि मेरा ये योजना कर दीजिए। 99% ऐसा व्यक्ति है जो लौट के नहीं आता है। टारगेट को अचीव करने के लिए सभी सीएसपी दिन रात बिना कंसेप्ट में लिए हुए कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत ऐसा लोग है जो न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया उस स्थिति में भी सभी सीएसपी बलि के बकरा बनेंगे क्योंकि बीच के जो कंपनी है वो लिखित कोई चीज नहीं दिया है कि आप बाय प्रेशर कीजिए या बिना बताए कीजिए। ये तो मौखिक केवल आदेश है कि आपको करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका सीएसपी के कोर्ट को लॉक कर दिया जाएगा और लॉक कर दिया जाता है। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रायोजित एवं संस्कार भारती बिहार प्रदेश और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर के आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में स्वतंत्रता संग्राम में अंग प्रदेश विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत माता एवं मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद अंग लोक गायिका अर्पिता चौधरी ने भारतीय स्वतंत्रता में अंग क्षेत्र के शहीदों की भूमिका और भारत को गुलामी की जंजीर से बाहर निकालने वाले महान सपूतों की वीर गाथा को अंग भाषा में गीतों के माध्यम से गाकर बताया गया। इस दौरान घोगा के निजी स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी जबकि स्वतंत्रता संग्राम में अंग प्रदेश विषय संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में डॉक्टर मीरा झा ने अंग क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी बांका खड़ाड़ा निवासी सतीश झा महेंद्र गो परशुराम सिंह पशुपति नारायण प्रकाश गुणेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आज़ादी के आंदोलन में दिए गए योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा हिंदी की प्रोफेसर सुजाता ने कहा कि अंग क्षेत्र के कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान रहा है और इसी में से एक है महान स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी जिन्हें भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर पीपल के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। वहीं राहुल तिवारी और अभिलाषा भारती के संयोजन में आयोजित संगोष्ठी को मंजूषा गुरु मनोज पंडित प्रोफेसर धीरेन्द्र प्रसाद कुंवर और डॉक्टर अभिनव गौतम ने भी संबोधित किया जिसमें नई पीढ़ी के नौनिहालों को स्वतंत्रता संग्राम और इसमें अपना बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर संस्कार भारती के पूर्व प्रांतीय महामंत्री राजेश गोयल बाल मुकुंद पारस कुंज और डॉक्टर प्रीति शेखर ने कलाकारों एवं वक्ताओं को अंगवस्त्र मोमेंटो और डायरी देकर सम्मानित किया। भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में देशभक्ति का जज्बा बनाए रखने और उत्साहपूर्वक इस समारोह को मनाने के लिए एक सकारात्मक पहल की है। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इसी उद्देश्य से अपने यहाँ इलाज कराने आने वाले सभी बच्चों और उनके परिजनों को तिरंगा झंडा भेंट किया है। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व है और इसके प्रति पूर्व से ही बच्चों में खासा उत्साह देखा जाता रहा है जो सभी भारतीयों के लिए गर्व और उमंग का पल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ उनके अभिभावक और आम नागरिकों को अपने राष्ट्रीय पर्व के महत्व को समझने एवं संविधान की रक्षा के लिए तत्पर करना उनका प्रयास है। इधर बच्चे और उनके अभिभावक भी चिकित्सक द्वारा तिरंगा मिलने पर काफी उत्साहित दिखे। समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
हम सभी को यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आज़ादी मिली कैसे, कितनों की जान गई सूली पर चढ़े, कितनों के नाखून उखड़े, चमड़ी उधेड़े गए, काला पानी की सजा हुई, अपने बीवी बच्चों से बिछड़े, तब हमें आज़ादी मिली। और आज भी उस आज़ादी के लिए हमारे वीर जवान बॉर्डर पर, कोई रेगिस्तान में तो कोई बर्फ में दिन रात ड्यूटी करते हैं, तब आज आज़ादी बरकरार रहती है। और इसी को हम लोग ध्यान में रखें और देश हित में काम करें, और ऐसा कोई काम नहीं करें जो देश हित में ना हो। एक परिवार की भी हानि होती है तो वह देश का हानि होता है, किसी दूसरे का भी हानि देश हानि है। इसीलिए सबके भले की सोचें, अपना तरक्की करें और सुविचार रखें। जय हिंद, जय भारत।